नमस्कार बच्चों, मैं मीता पाठक, आपकी संस्कृत अध्यापिका होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ से आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने संस्कृत व्याकरण में लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति और लट लकार में धातु रूप के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज की इस वीडियो में कक्षा 6वीं और 7वीं के लिए मैं आपको संस्कृत व्याकरण का एक नया टॉपिक प्रत्यय के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय के बारे में कहा जाता है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पठ शब्द का अर्थ है पढ़ना, पठ धातु है और इसका अर्थ होता है पढ़ना। पठ में जब धातु में हम तून प्रत्यय को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पठितुम, यानी पढ़ने के लिए। इस शब्द में, पठितुम शब्द में तून प्रत्यय जोड़ने से तुमन का न जो शब्द है वो लोप हो जाता है और सिर्फ तुम इसमें बचता है। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यह प्रत्यय केवल धातुओं के क्रियापदों के साथ जुड़ते हैं, कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है, जैसे पठ धन अक्त पठित, पठ धन कत्वा पठित्वा, पठ धन तुमुन पठितुम। तद्धित प्रत्यय में यह प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शिक्षा धनवुन यानी शिक्षक। कृत प्रत्यय जो है धातुओं में इसका प्रयोग होता है और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे तुमुन प्रत्यय के बारे में, क्योंकि आज का टॉपिक है तुमुन प्रत्यय, जो कक्षा 6वीं और 7वीं दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तुमुन प्रत्यय के बारे में सूत्र है तुमुन अनबुलो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम, अर्थात इस सूत्र में तुमुन प्रत्यय के बारे में बताया गया है। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, जैसे पठितुम शब्द है उसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। तुमुन प्रत्यय के कुछ नियम हैं। पहला नियम है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमुन का सिर्फ तुम शेष रहता है, जैसे खाद धन तुमुन खादी तुम। यहाँ पर खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय उसमें जोड़ा गया तो शब्द बन गया खादी तुम, यानी न का इसमें लोप हो जाता है। दूसरा नियम इस प्रकार है, इस प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है, यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो। तीसरा नियम है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो यह अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है तथा शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पढ़ धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़े तो पठितुम शब्द बन गया, यानी पढ़ने के लिए। इसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ पठी तुम, हंस धन तुमुन हंसी तुम, इसमें भी छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया क्योंकि इसमें हंस में स्वर कोई भी स्वर नहीं है, इसमें छोटी की मात्रा का इसमें प्रयोग कर किया गया है। गम धन तुमुन गन तुम, यहाँ पर गम में म म है उसके अनुसार पहले वर्ण, पहला जो उसमें शब्द है उसमें गम लिखा हुआ है और गम में म है तो म होने पर वो अंग की बिंदु में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हो गया गंतुम यानी जाने के लिए, पठितुम यानी पढ़ने के लिए, हंसितुम यानी हंसने के लिए। अब हम लोग जानेंगे तुम प्रत्यय का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग। जैसे बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, किसके लिए जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। के लिए तुमुन प्रत्यय का चिन्ह है, तुमुन प्रत्यय की पता लगाने के लिए हम
देखेंगे कि के लिए शब्द आने से हम समझ सकते हैं कि यह तुम्हुन प्रत्यय का प्रयोग होता है यहाँ पर। जैसे बालका पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालक बालका यानी बालक, पठितुम यानी पढ़ने के लिए, विद्यालयम यानी विद्यालय, गच्छति मतलब जाता है। यहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। वह खेलने के लिए बगीचे जाता है। सह क्रीडितुम उद्यानम गच्छति, वह सह का वह, क्रीडितुम मतलब खेलने के लिए, उद्यानम मतलब बगीचा, गच्छति मतलब जाता है। इस प्रकार हमने तुमुन प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है यह आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसका प्रयोग अब शब्दों में, वाक्यों में अच्छी तरह कर पाएंगे। धन्यवाद।